नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। और मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें वाकाटक वंश, बोधि वंश, आभीर वंश, नाग वंश, राष्ट्रकूट वंश जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातें हम करते हैं जो कुछ प्राचीन समय के शहर हैं। काकनाद किसका प्राचीन नाम था? सांची का। ठीक। दशपुर का? मंदसौर। पांचालगढ़ किसका नाम होगा? पांचालगढ़, नाम से पता चल रहा है। पांचालगढ़ पचमढ़ी, पांचालगढ़ पचमढ़ी। तुंडीगढ़ ये पढ़ा है अपन योगेश जी, दमोह का। शादियाबाद मांडू का, शादियाबाद किसका नाम बनेगा? मांडू का। शादियाबाद मांडू। मयूरवन, मयूरवन ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, कोई बता सकता है मयूरवन किसका प्राचीन नाम था? मुरैना। मयूरवन मुरैना। मानधाता ये तो पढ़ा है अपन ने, मानधाता का प्राचीन नाम मानधाता है, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे? मानधाता। जी बिल्कुल सही, आप भी बताओ। इन्होंने बताया ओमकारेश्वर, मानधाता ओमकारेश्वर। दिलीप नगर, दिलीप नगर बताइए राधिका जी, आप बताएं। दिलीप नगर बड़ा अच्छा नाम है, दिलीप। दतिया बहुत ही शानदार, मैं ना पूछू तो भी बता दिया करो। दिलीप नगर, दतिया, भैलसा, अर्जुन जी विदिशा, ठीक है। खानदेश अमरदीप, बुरहानपुर खानदेश, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे? बुरहानपुर खानदेश, बुरहानपुर। एरन सागर में, सागर के पास में था, स्वभोग नगर, क्या बोला गया इसे? स्वभोग नगर, सागर के पास स्वभोग नगर। अनलपुर, आपको हटा दू तो समझ में आ जाएगा, शिवपुरी नलपुर है ना, तो अनलपुर या नलपुर किसका नाम? शिवपुरी का, नलपुर शिवपुरी। मुंडवारा ये थोड़ा कठिन है, मुंडवारा कठिन, क्या बात योगेश, बहुत बढ़िया। कटनी के रहने वाले हो क्या? तो फिर कैसे याद है आपको? बहुत बढ़िया, किताबें हैं सब सारा। तो मुंडवारा कठिन, मुंडवारा कठिनी। तुंडीगढ़ ये अभी पढ़ लिया, दमोह। कारूश बघेलखंड, कारूश किस एरिया का नाम? बघेलखंड। और बांधदेश ये भी बघेलखंड को ही बोला जाता था। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसे पढ़ने की हमने कोशिश की। अभी पढ़ रहे हैं नागवंश, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे, कोई उतना ज्यादा डाटा भी नहीं है इसका, मिलेगा भी नहीं, और उतना बड़ा कोई इतिहास भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं नागवंश की। नागवंश यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त के समय की बात है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय के समय में नागवंश को पराजित किया था। तो कुषाणों के पतन के पश्चात, कुषाणों की पतन के पश्चात, कुषाण वंश हमने पढ़ लिया, कुषाण वंश किसने की थी इसकी स्थापना? कुजुल कटफिसस, कुषाण वंश के का संस्थापक कौन था? ये लिखा है आपके पास में, बार बार मत लिखो, कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस। इसके बाद विम कटफिसस, और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? कनिष्क, कनिष्क महान भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ये अनुयायी, जो हम अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र पढ़ते हैं
उससे संबंध है बामियान कनिष्क का। और 78 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, शक संवत प्रारंभ किया, शक संवत प्रारंभ किया था। किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में, पश्चिमी शकों को, पश्चिमी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने शक संवत प्रारंभ किया था। तो जब इस वंश का पतन हो गया कुषाण हो गया, तो वहां पर छोटे छोटे फिर राजा बनते, जैसे गुज्जर प्रतिहार के बाद में पढ़ा था अपन ने, मालवा में परमार, दिल्ली वाले इसमें चौहान वंश, शाकंबरी के चौहान, तो काशी नरेश गढ़वाल वंश, ऐसे ढेर सारे राज्यों का उदय हुआ था, चंदेल वंश का। तो ऐसे ही कुषाणों के पतन के बाद में, तो किसका, नागवंश, कुषाणों के पतन के बाद नागवंश का। और विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में, ये इतना सा पता होना चाहिए। किस क्षेत्र में था, नागवंश मध्य प्रदेश में, विदिशा ग्वालियर, पवाया क्षेत्र जिसे बोलते हैं, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में। पुराणों में विदिशा पर, पुराणों में विदिशा पर शासन करने वाले, शासन करने वाले नागवंशी शासकों में जो नाम मिले हैं, नागवंश के शासकों के नाम, एक तो भोगिन या भोजनाग जिसे कहते हैं, भोगिन, सदाचंद, सदाचंद, भूतनंदी, शिशुनंदी, भूत नंदी, शिशु नंदी, भूत नंदी, शिशु नंदी, ये पुराणों में इनका नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है, किस किस का, भोगी, सदाचंद, भूत नंदी, शिशु नंदी। कब स्थापना हुई, किसने की, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये इन शासकों का उल्लेख मिलता है, ये पहला शासक था या अंतिम, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराणों में जानकारी ये मिलती है। लेकिन जो वहां पर शिलालेख वगैरह हैं या ताम्र पत्र वगैरह मिले हैं, उसके अनुसार जानकारी मिलती है दूसरी शताब्दी ईस्वी का, दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में, दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में विदिशा ग्वालियर में वृषनाग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वृषनाग ने विदिशा ग्वालियर ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की, नागवंश की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसने, वृषनाग ने, कब, दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में, मतलब 190 195 200 के लगभग, 200 ईस्वी के लगभग में वृषनाग की स्थापना, वृषनाग ने नागवंश की स्थापना की। और इसका एक महत्वपूर्ण शासक है फिर भीमनाग, 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 ये भोगिन जिसे बोलते हैं, उसका इससे भी संदर्भ लिया जाता है, ये हो सकता है वो जो पुराणों में भोगिन मिलता है, और दूसरी जगह क्या नाम मिलता है, भीमनाग। तो भीमनाग ने राजधानी जो है विदिशा से कहाँ लेके चला गया, विदिशा से पद्मावती, राजधानी परिवर्तन, विदिशा से पद्मावती, क्या बोलते हैं पद्मावती आज का, पद्म पवैया है, ग्वालियर, ग्वालियर बोलते हैं अभी है, पद्म पवैया जिसे, पवैया तो बीच में है, पवाया ग्वालियर और ये विदिशा के बाद में है, वो पवाया क्षेत्र कहलाता है, लेकिन राजधानी कहाँ ले गया, ये पद्मावती मतलब
ग्वालियर राजधानी परिवर्तित कर दिया। और इसका अंतिम शासक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गणपति नाग अंतिम शासक, और किसने पराजित किया होगा? अर्जुन कुमार नहीं, पक्को में नहीं पता, अभी बताएं थोड़ी देर पहले किसने पराजित किया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में मिलता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में। तो समुद्रगुप्त के जो आर्यावर्त की विजय बोलेंगे इसे, क्योंकि ये दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर में ही है, क्योंकि ग्वालियर उत्तर में ही आता है, उत्तर भारत में आता है, दामाद वाला क्षेत्र। हाँ, तो इसमें जो है अंतिम शासक समुद्रगुप्त ने इसे पराजित कर नाग वंश का अंत कर दिया। समुद्रगुप्त ने पराजित कर इसे पराजित कर दिया। कोई आए क्या बाहर? पराजित कर दिया। आगे लिखेंगे, बेस नगर से नाग शासकों के तांबे के सिक्के, बेस नगर से नाग शासकों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब यही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम आभीर वंश देखो, हमने अभी नागवंश पढ़ा, बड़ा संक्षेप में पढ़ा नागवंश को, ऐसे ही अब हमें किसको पढ़ना है? आभीर वंश को पढ़ना है। आभीर वंश, आभीर वंश नाम सुना है, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आभीर वंश? खानदेश। और खानदेश का वर्तमान नाम बुरहानपुर। तो हम बात कर रहे हैं, यह है सातवाहनों के बाद, क्योंकि ये दक्षिण भारत की बात है, बुरहानपुर नीचे वाले पॉइंट में आता है और ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र में आ रहा था। तो दक्षिण भारत में सातवाहनों के पतन के पश्चात बुरहानपुर में आभीर वंश ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नासिक अभिलेख पढ़ाना अपने लिए, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र शाक्यगण, क्या लिखा है उसमें? नहपान को उसने पराजित किया था, ठीक। तो नासिक अभिलेख में यह भी जानकारी मिलती है कि सातवाहनों के अधीन ही आभीर वंश की स्थापना हुई थी, मतलब स्वतंत्र नहीं थे लेकिन सातवाहनों के अधीन ही बुरहानपुर में जो है किसी ने आभीर वंश की स्थापना की, लेकिन किसने की? तो वो है ईश्वर सिंह, 250 ईस्वी में ईश्वर सिंह नासिक अभिलेख के अनुसार 250 ईस्वी में बुरहानपुर में ईश्वर सेन ने आभीर वंश की स्थापना की। कुल मिला के आभीर वंश का संस्थापक किसे बोलेंगे? ईश्वर सेन। ये क्वेश्चन पूछा गया कई टेस्ट में, तो आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन 250 ईस्वी,
और किसके अधीन? सातवाहन, सातवाहनों के अधीन। तो इनका राज्य क्षेत्र कौन सा होगा? क्या बोलेंगे उसे? खानदेश। और क्या बोलेंगे? निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र है ना, निमाड़ क्षेत्र। तो इनका जो शासन क्षेत्र था वो था अनूप प्रदेश, अनूप प्रदेश, और बाद में मालवा पर अधिकार किया। लेकिन बाद में इन्होंने वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली, वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कैसे? यही चार वंश दिए रहेंगे और दूसरी तरफ उनका शासन क्षेत्र दिया रहेगा, संस्थापक का नाम दिया रहेगा, प्रमुख शासक का नाम दिया रहेगा, सही जोड़ी वगैरह मिलाने के लिए बोल सकते हो। बड़ा कठिन कर लेते, क्वेश्चन बड़ा सरल है, चार लाइन में हमने उस वंश को पढ़ा है और उसी में से क्वेश्चन बन जाता है, फिर भी गलत हो जाए तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, फिर बेकार हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बोधिवंश व बोधिवंश। बोधिवंश बोधिवंश किसने की थी? बोधिवंश किस क्षेत्र में? जबलपुर। वह जबलपुर के पास क्या पढ़ते हैं अपन? त्रिपुरी। जबलपुर व त्रिपुरी क्षेत्र में चार शासकों के नाम मिलते हैं इसमें। संस्थापक श्रीबोधि, श्रीबोधि, वसुबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। चंद्रबोधि व शिवबोधि। मघवंश पढ़ेंगे, मग वंश। कहीं कहीं बोधि वंश, बोधि व मग वंश भी बोला जाता है, जैसे चाचा भतीजे हो, रिश्तेदार हो एक दूसरे के, मामा भाई जे, तब एक साथ में पढ़ते हैं। तो मग वंश की स्थापना इसी समय में हुई थी बघेलखंड, बघेलखंड, और संस्थापक थे इसके भीम सिंह, भीमसेन। ये सब दूसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं, ये आभीरवंश और ये एक ही समय है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ था। तो मोधी मघवंश बघेलखंड में और संस्थापक कोई? भीमसेन। इसका प्रसिद्ध शासक भद्रमघ और शिवमघ। भद्रमघ और शिवमघ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बांधवगढ़ जो जिला उमरिया है वहां से किसके सिक्के प्राप्त हुए? तो किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? मघवंश, बोधिवंश और मघवंश के सिक्के बांधवगढ़ जिला उमरिया से प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी में, कौशाम्बी में इस वंश का एक शिलालेख मिला है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना सा याद रखो। बोधि वंश की स्थापना जबलपुर व त्रिपुरी क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी? श्री बोधि के द्वारा। अन्य शासक कौन कौन से? वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। और इसी के समय बघेलखंड में कौन सा शासक? मघवंश। मघवंश की स्थापना भीमसेन के द्वारा
और अन्य शासक भद्रमग और शिवमग, इनके सिक्के कहाँ मिले हैं? बांधवगढ़ जिला उमरिया से मिले हैं। अब ये छोटे छोटे वंशों के साथ में एक और बड़ा वंश यहाँ पर बना और उसने इन सब पे अधिकार कर लिया और वो था वाकाटक। कौन सा? वाकाटक वंश। ये छोटे छोटे शासक और इसी समय एक बड़ा वंश था वाकाटक वंश। और इन्होंने फिर गुप्तों से इनके संबंध थे वाकाटक नरेश के, तो उसे भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वाकाटक वंश। नाग वंश का क्षेत्र कहाँ पे अमरदीप? नाग वंश विदिशा ग्वालियर जी, बहुत बड़ी। मग वंश का क्षेत्र प्रिया? आभीर वंश का खानदेश। ठीक है, अब हमें पढ़ना है वाकाटक। वाकाटक वंश। प्रवर सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विंध्य शक्ति का नाम सुना होगा, ये इस वंश के शासक थे। बघेलखंड, सॉरी मूल निवास कौन सा होगा अमर जी? विदिशा। उज्जैन। विदिशा से और ऊपर चलते थे। मूल निवास इनका बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। मूल निवास बुंदेलखंड। मूल निवास इनका बुंदेलखंड। और पुराणों के अनुसार स्थापना, इस वंश की जो स्थापना की किसके द्वारा की गई, भी दो शासकों के नाम बताएंगे, एक विंध्य शक्ति और एक प्रवर सिंह। तो इसकी स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति संस्थापक, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। और 255 ईस्वी में स्थापना हुई और 275 ईस्वी तक इसने शासन किया। 255 से 275 ईस्वी विंध्य शक्ति। शॉर्ट में तो इतना याद है, वाकाटक वंश मूल निवासी कहाँ के? बुंदेलखंड। संस्थापक कौन? विंध्य शक्ति। कब? 255 ईस्वी। 255 ईस्वी। कहीं उल्लेख ये भी मिलता है कि विदिशा तक इनका शासन फैला था, या विंध्य शक्ति विदिशा का शासक था इसलिए से विंध्य भी नाम दिया गया, ये भी बोला गया है। विंध्य शक्ति मतलब कहाँ का शासक? विदिशा का शासक, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। पुत्र इसका प्रवर से। प्रवर से महत्वपूर्ण शासक है, वास्तविक संस्थापक भी इसे बोला जाता है प्रवर से। अश्वमेघ यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया और बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक शासन का विस्तार किया। शासन काल 275 से 340 ईस्वी। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ किया और शासन का विस्तार, शासन का विस्तार बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद दक्षिण में तेलंगाना तक इसका शासन विस्तृत हो गया, फैला दिया गया। क्लियर? दो शासक पढ़े हमने, विंध्य शक्ति और प्रवर सेन। प्रवर सेन। इसके बाद है रुद्र सेन प्रथम। रुद्र सेन प्रथम और ये शासक बना 340 340 ईस्वी में। ये पुत्र नहीं पौत्र था इसका। देखो लंबा शासन काल इसका 275 से 340 ईस्वी, तो 40 और 25 कितना होता है? 65
65 वर्ष तक इसने शासन किया है, किसने? प्रवरसेन ने। तो पुत्र तो वृद्ध हो गए होंगे उन्हीं के समय में, तो किसने, कौन है ये इनके पौत्र है? पौत्र मतलब बेटे का बेटा, यही होता है ना पौत्र। तो प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम 340 से 365 ईस्वी तक शासन, इसकी राजधानी नागपुर। राजधानी किसे बनाया इसने? नागपुर को। नागपुर राजधानी, नागपुर 340 से लगभग 375 ईस्वी तक शासन किया और राजधानी इसकी नागपुर थी। अपने पुत्र, ये यहां पे महत्वपूर्ण है, अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय, अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट, यहां किसी को पता होगा किससे हुआ था? प्रभावती गुप्त। कौन थी ये प्रभावती गुप्त? प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। अब समझ में आया कि वाकाटक नरेशों का शासन उत्तर की ओर न बढ़ के दक्षिण की ओर क्यों बढ़ा? क्योंकि उत्तर में कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता थी उस समय, कौन? गुप्त। और इनके उनसे मित्रतापूर्ण संबंध थे, तो उन्हीं के बल पर इन्होंने दक्षिण की ओर साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक, तो क्या बताया हमने कि अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया था। इसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, एक बार और कहानी की तरह हम इसे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। प्रवरसेन द्वितीय, ये प्रभावती गुप्त व रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र, जहां प्रवरसेन ने देखा साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड हैदराबाद, रुद्रसेन ने राजधानी कहां बनाई? नागपुर। लेकिन प्रवरसेन द्वितीय ने राजधानी फिर परिवर्तित की, राजधानी कहां ले गया? प्रवरपुर। राजधानी प्रवरपुर स्थानांतरित की। वाकाटक वंश की बात कर रहे हैं, तीसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं, मूल निवास इनका बुंदेलखंड था, लेकिन उस समय देखे तो जैसे 275 ईस्वी, तो उस समय श्रीगुप्त घटोत्कच ये शासक स्थापित हो गए, तो उस समय इन्होंने स्थापना की बुंदेलखंड में विंध्य शक्ति ने 275 ईस्वी में। इसके बाद इसका पुत्र प्रवरसेन शक्तिशाली शासक 275 से 340 ईस्वी, किसके समकालीन है? चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में शासक बना था, तो उसका समकालीन इसने अश्वमेध यज्ञ किया और शासन का विस्तार दक्षिण की ओर बुंदेलखंड से लेकर तेलंगाना तक, हैदराबाद तक शासन का विस्तार किया। इसके बाद इनका पुत्र रुद्रसेन प्रथम, और इसका शासन काल है 340 से 375 ईस्वी और राजधानी इसकी नागपुर, और इसका एक पुत्र है रुद्रसेन द्वितीय। अब देखो यहाँ पे 340 से 375 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 375 ईस्वी तक किसका शासन है? ऊपर चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त नहीं समुद्रगुप्त का शासन है 340 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन है। ठीक, तो इसने क्या किया, अपने बेटे रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया, प्रभावती गुप्त से कर दिया। अब इनका जो पुत्र है वो है प्रवरसेन द्वितीय, किसका, रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त, इनका पुत्र है प्रवरसेन द्वितीय। और इसने राजधानी नागपुर से कहां लेके चला गया, प्रवर, नागपुर से राजधानी प्रवरपुर। इनके बाद में देखिए कि ऊपर जो है गुप्त साम्राज्य भी पतन की ओर, उसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय, स्कंद गुप्त, ये सब, लेकिन उतना कोई स्थायी शासन था क्या उनका, नहीं, धीरे धीरे सिमटता चला गया और इधर इनका भी शासन इधर खत्म होते चला गया। लिखेंगे प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र, प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर की नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय का शिलालेख बालाघाट जिले से प्राप्त होता है, एक यही इसी से संबंधित है पूना ताम्र पत्र, पूना ताम्र पत्र किससे संबंधित होगा, पूना ताम्र पत्र प्रभावती गुप्त, कौन थी प्रभावती गुप्त, अमरदीप चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह हुआ था। तो ये जो पूना ताम्र पत्र है उसमें पूरी जानकारी मिलती है वाकाटक वंश, की जानकारी कहाँ में मिलती है, पूना ताम्र पत्र में मिलती है, पूना ताम्र पत्र। क्लियर एकदम, वाकाटक नरेश, दो तीन चीजें हमें अच्छे से याद कर लेना है। औलिकर वंश पढ़ लिया हमने, पांडु वंश को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, पांडु वंश ये मध्य प्रदेश से संबंधित वंश है, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, पांडु वंश कालिंजर शिलालेख से पांडु वंश की जानकारी मिलती है, कालिंजर शिलालेख, से पांडु वंश की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि पांचवी शताब्दी राजा उदयीन शासन करता था, ये जानकारी मिलती है।
कालिंजर शिलालेख से। इतना याद रखना पांडु वंश। रीवा रियासत इसी के, हाँ इसी में लिखूं, रीवा रियासत की बहमनी से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। बहमनी मतलब एक स्थान का नाम है, रीवा रियासत की बहमनी से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र के अनुसार जय बल पांडु वंश का प्रथम शासक था। उसके बाद वत्सराज वत्सराज शासक बना। पांडु वंश के अन अभिलेख बूढ़ीखार मलगा एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। बूढ़ीखार मलगा और मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अब इतना हमने पढ़ा पांडु वंश के बारे में, कभी समझ में नहीं आया ना इसका शासन किस क्षेत्र में था, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बस वो यही है, उसका कोई स्पष्ट दो जगह उसका उल्लेख मिले, एक कालिंजर में भी मिला है शिलालेख जिसमें पांडु वंश का उल्लेख मिलता है, और रीवा रियासत में भी ऐसे शासकों के नाम मिलते हैं जो पांडु वंश से संबंधित थे। तो कोई स्थायित्व इसका नहीं था, ये बोला जाता है कि ये सामंत रहे होंगे, ऐसी जानकारी इसमें मिलती है। क्लियर एकदम, लेकिन याद रख लेना कि यहां यहां इसकी जानकारी मिलती है। मौखरी वंश ये तो महत्वपूर्ण है, ये तो नाम सुना होगा मौखरी वंश। एक नाम बता दो इसका, कोई प्रसिद्ध शासक या कोई घटना मौखरी वंश से संबंधित, मौखरी वंश से संबंधित। ये गुप्तों के बाद में इस वंश की स्थापना हुई थी, मौखरी वंश। राजा श्रीहर्ष और कोई ऑनलाइन वाले नहीं, चलो ठीक। गुप्त वंश के पतन के पश्चात गुप्त वंश तीसरी चौथी शताब्दी में महत्वपूर्ण शासक, और उसके बाद में धीरे धीरे इनका पतन। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात मौखरी वंश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे संबंधित एक अभिलेख मिलता है, अवसाद अभिलेख। कौन सा? अवसाद अभिलेख में इस वंश के प्रसिद्ध शासकों में
कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितागुप्त, कुमारगुप्त, महासेन गुप्त, आदित्य सेन गुप्त, आदित्य सेन गुप्त आदि नरेशों का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित किसकी रचना है? वानभट्ट। वानभट्ट की हर्षचरित के अनुसार महासेन गुप्त को मालवा नरेश कहा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वानभट्ट के हर्षचरित में महासेन गुप्त को मालवा नरेश कहा गया है। मालवा नरेश कहा गया है। मौखरी वंश का जो संबंध है वो हर्षवर्धन से मिल पड़ेंगे। हर्षवर्धन से संबंधित हम इसको पढ़ेंगे। अभी तो इतना याद करो कि इनका जो शासन है किसके बाद? गुप्तों के पतन के पश्चात। उत्तरवर्ती गुप्त इन्हें बोला जाता है। पूरे नाम देखो, गुप्त गुप्त लिखे हुए हैं। उत्तरवर्ती गुप्त की यदि हम बात करें तो मौखरी वंश, और इनका शासन मालवा। काय में मिला ये? अवसाद अभिलेख और वानभट्ट के हर्षचरित। वानभट्ट के हर्षचरित में महत्वपूर्ण शासक को महासेन गुप्त को क्या बोला है? मालवा नरेश बोला गया। महासेन गुप्त को क्या बोला है? मालवा नरेश। तीवरखेड़ प्रशस्ति कहाँ मिली है? तीवरखेड़ में मिली है। किसी ने देखा है कि अभी कुछ लिख रहा नहीं है? तीवरखेड़ प्रशस्ति बैतूल में भी है, है ना? तीवरखेड़ प्रशस्ति। हम राष्ट्रकूट वंश को थोड़ा सा पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। राष्ट्रकूट वंश दो तीन लाइन ही लिखेंगे तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। जब हम भारत के संदर्भ में इतने बड़े वंश को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा। राष्ट्रकूट मूलतः राष्ट्रकूट वंश, कलचुरियों के सामंत थे। कलचुरी शासकों के सामंत थे और बाद में बादामी के चालुक्यों के मतलब पार्टी बदलने वाला रूल जो है, नियम जो है, वो सिर्फ अभी नहीं है, बहुत पहले से चलते आ रहा है। पहले ये किसका सपोर्ट करते थे? कलचुरियों का सपोर्ट करते थे। कलचुरियों का पतन हो गया तो फिर बादामी के चालुक्यों का सपोर्ट करने लग गए। बैतूल जिले के तीवरखेड़ प्रशस्ति से मेरे गांव का नाम है, मेरे गांव के पास में ही है तीवरखेड़ प्रशस्ति से
चार राष्ट्रकूट नरेश, दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नंदराज। कितने तिवरखेड़ प्रशस्ति का बैतूल जिले में और कितने राष्ट्रकूट शासकों के नाम मिलते हैं? चार, दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नंदराज। नंदराज, क्लियर हो गया यहां तक? इस प्रशस्ति की मुहर में, गरुड़ की आकृति अंकित है। ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा गया है, पीएससी ने पूछा है, गरुड़ की आकृति अंकित है। बादामी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय, पहले कभी पढ़ा क्या अपन ने पुलकेशिन द्वितीय का नाम? कब पढ़ा? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को, लगभग 639-640 के लगभग में ये युद्ध हुआ है, क्योंकि हर्षवर्धन 647 तक शासक रहा है। तो 639-40 में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर बुरी तरह पराजित किया था, यह हमने पढ़ा। तो अब सोचो, इनका शासन, राष्ट्रकूटों का शासन भी लगभग उसी समय का है, है ना? जोड़ते रहेंगे बराबर। तो बादामी के चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय ने दुर्गराज को राज्यपाल नियुक्त किया था, तो इस वंश की स्थापना कब हुई? लगभग 600 ईस्वी में, 610-611 ऐसा उल्लेख मिलेगा, 610-611। तो ये संस्थापक मानेंगे इसे राष्ट्रकूट वंश का, दुर्गराज। दुर्गराज, और किसने नियुक्त किया था इसे? बादामी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय, ने। इसके बाद नंदराज, इसने गरुड़ राज चिन्ह, गरुड़ का चयन किया। नंदराज और फिर दंती दुर्ग, क्या इसको पढ़ते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ा है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने, ये हमने पढ़ा। तो ये पहले से थे, लेकिन ये बादामी के चालुक्यों के अधीन काम कर रहे थे, और स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने की। राजधानी मान्यखेद बनाया, लेकिन उसका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं। स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई और मान्यखेद को अपनी राजधानी बनाया गया, यहां तक क्लियर हो गए? अब देखो, हमने एक और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा। कौन कौन थे इसमें? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गुज्जर प्रतिहार वंश को पढ़ लिया, राष्ट्रकूट को अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और क्या नाम पढ़ा अमरदीप, जिसने इस संघर्ष में भाग लिया था? राष्ट्रकूट। हाँ, गोविंद तृतीय, ऐसा ही कुछ नाम पढ़ा था अपन ने। तो हम देखते हैं यहाँ पे, गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव
गोविंद, द्वितीय के बाद ध्रुव गद्दी पर बैठा, उसके पश्चात गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। जिसका संघर्ष प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से हुआ। अब क्लियर हो गया, कहां पहुंच गए अपन? कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये पढ़ा था अपन ने गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, किसकी ओर से? राष्ट्रकूटों की ओर से। और इसका संघर्ष किससे हुआ? गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। तो गुज्जर प्रतिहारों में नागभट्ट द्वितीय, त्रिपक्षीय संघर्ष में, और राष्ट्रकूटों में गोविंद तृतीय। वैसे जो वत्सराज के समय में ही ये प्रारंभ हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि पढ़े तो कुल गोविंद तृतीय, बघेलखंड क्षेत्र में ये विवाद इनका हुआ था। इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक जो है अमोघवर्ष, अमोघवर्ष यहां पे एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमोघवर्ष ये राष्ट्रकूट नरेश है, अमोघवर्ष, अमोघवर्ष कविराज मार्ग की स्थापना किसने की? ऐसा क्वेश्चन कई बार बना है, कविराज मार्ग की स्थापना किसने की? कविराज मार्ग की स्थापना किसने की? तो किसने की? अमोघवर्ष। किस वंश का शासक है? राष्ट्रकूट वंश का। इसको हम बीच में ही छोड़ देंगे, राष्ट्रकूट वंश को, जब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो ढेर सारा हम पढ़ने वाले हैं इसके विषय में, लेकिन अभी इतना ही, क्योंकि मध्य प्रदेश से इनका संबंध ज्यादा नहीं था। शुरुआत इनकी मध्य प्रदेश से हुई थी, लेकिन इसके बाद में इन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष किया, दक्षिण भारत में राज्य किया। तो क्या राष्ट्रकूट वंश किसके बाद में? कलचुरियों के बाद। कलचुरियों ने मध्य प्रदेश में शासन किया और उसके स्थान पर कौन आई है? राष्ट्रकूट आया। फिर बाद में क्या किया इन्होंने? बादामी के चालुक्यों को समर्पित हो गए। क्यों? क्योंकि बादामी का चालुक्य शासक क्या नाम? पुलकेशिन द्वितीय ने इसको राज्यपाल नियुक्त किया था, तो उन्हीं के अधीन वो काम करते रहेंगे। फिर इसके बाद में एक दंती दुर्ग एक हुआ, दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने क्या किया? मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद में हमने वत्सराज को पढ़ा, वत्सराज के बाद में गोविंद तृतीय को पढ़ा। तो गोविंद तृतीय और उसका समकालीन शासक कौन पढ़ा हमने? नागभट्ट, गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। और इनका संघर्ष काय के लिए हुआ? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए हुआ, कन्नौज पर शासन करने के लिए इनका संघर्ष हुआ। अंतिम विजय किसको प्राप्त हुई इसमें? गुज्जर प्रतिहार वंश को प्राप्त हुई। इसके बाद में हमने अमोघ वर्ष को पढ़ा, और अमोघ वर्ष एक मतलब विद्वान शासकों में गिना जाता है, और इसने कविराज मार्ग की स्थापना की थी, कविराज मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, इतना ही हम पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है दक्षिण भारत के, सॉरी, मुस्लिम राज्य की स्थापना, मुस्लिम राज्य की स्थापना। और मुस्लिम राज्य में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 में। किसके साथ में आया था कुतुबुद्दीन ऐबक?
मोहम्मद गौरी के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के समय में आया था। और क्या है महमूद गोरी का इतिहास? महमूद गोरी कहाँ से आया था ये? कहाँ से आया था महमूद गोरी? कहाँ से आया? गजनी से, गोर प्रदेश से आया था, है ना, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, इधर से ये आए थे। महमूद गजनवी 1001 से 1027, 1030 के बाद उसका खेल खत्म। और लगभग 100 साल के बाद में, 100-120 साल के बाद, 1100 के बाद, 1191 1192, लेकिन महमूद गजनवी का भारत आने का इरादा कुछ अलग था, महमूद गोरी का भारत में आने का इरादा कुछ अलग था। गजनवी सिर्फ लुटेरा धन प्राप्त करने के इरादे से आया था, लेकिन महमूद गोरी का उद्देश्य जब वो भारत में आया तो उसका विजन एकदम क्लियर था कि मुझे लूटना नहीं है, मुझे जाकर वहां स्थायी साम्राज्य स्थापित करना, है। और उसके दो प्रमुख सेनापति थे महमूद गोरी के, दो सेनापति थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार बुल्खिल, बख्तियार, ये दो उसके प्रमुख सेनापति थे। और दोनों ने शासन स्थापित किया, क्योंकि 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ में, प्रथम युद्ध में महमूद गोरी पराजित हुआ, द्वितीय युद्ध में वो उसने विजय प्राप्त किया। उसके बाद 1194 चंदावर का युद्ध, और इसमें उसने गढ़वाल वंशीय नरेश जयचंद को उसने पराजित किया, और इस तरीके से उसने दिल्ली अजमेर वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। और जाने से पहले उसने अपना वहां का किसे नियुक्त किया, राज्यपाल जैसे प्रतिनिधि अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, लेकिन जब वो वापस जा रहा था तभी रास्ते में उसकी हत्या कर दी, खोखरों ने उसकी हत्या कर दी थी। जब महमूद गोरी को हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर वो किसको छोड़ के चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसने 1206 ईस्वी में जो है, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और अपने आप को क्या बोलते थे ये? सुल्तान। अपने आप को क्या बोलते थे? सुल्तान। जबकि इससे पहले जो भारत में परंपरा थी वो काय की थी? महाराजा की थी, सम्राट, विराट, अलग एकराट, ऐसे ऐसे उपाधियां धारण रहा, ऐसे बोले जाते थे अपने आप को, ठीक। लेकिन ये नई परंपरा शुरू हुई सुल्तान की। फिर इसके बाद में देखेंगे 1526 में एक नया मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित होता है, मुगल वंश, मुगल वंश। लेकिन वो अपने आप को बादशाह बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं अपने आप को? बादशाह। ये अपने आप को सुल्तान बोलते हैं, और वो क्या बोलते थे अपने आप को? बादशाह। तो क्या अंतर है दोनों में, सुल्तान और बादशाह में? दोनों में बड़ा कौन है? बादशाह बड़ा है। क्यों? बाद में आया इसलिए? अर्जुन जी आपका तो राजघराने से संबंध होगा, नाम अर्जुन है आपका। योगेश जी बादशाह बड़ा है, बादशाह बड़ा है, ये तो हमें पता है। सुल्तान वो अपने खलीफों को हेड मानते थे। गुड। बादशाह जो है वो सर्वोच्च है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ उनका ईश्वर हो सकता है, पैगंबर जो है वो अंतिम सत्ता। लेकिन इस धरती पर अंतिम सत्ता सिर्फ किसकी है? बादशाह की। और बोलते हैं कि हमने
अपने तलवार के दम पर सत्ता प्राप्त की है, हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, ये बोलते। और सुल्तान क्या होते थे, अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे। खलीफा मतलब मुस्लिम वर्ग का सर्वप्रभु खलीफा को मानते थे, जो अश्रिया इधर जो बगदाद क्या बगदाद बगदाद ये जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और यहाँ खलीफा होते थे तो उसके अधीन मानते थे। सुल्तान बनने के लिए उससे अनुमति लेना पड़ता था, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, तभी ये सुल्तान बनते थे और उनके अधीन काम करते थे। अपने कार्यों के लिए उस खलीफा के प्रति ये उत्तरदायी होते थे, तो इसलिए ये अपने आप को सुल्तान बोलते थे। और मुगल साम्राज्य मुगल शासक अपने आप को बादशाह कहते थे। अब वो खलीफा के अधीन नहीं थे, वो अपने खलीफा के अधीन नहीं थे। अब दिल्ली सल्तनत में पांच वंश सबसे पहले गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद में लोधी, अंत में लोधी। सबसे अधिक शासन का तुगलक वंश का, और सबसे कम खिलजी वंश। सबसे कम शासन जो है वो खिलजी वंश का। तो सबसे पहला गुलाम वंश, गुलाम इसलिए क्योंकि इसके जितने भी सुल्तान हुए वो गुलाम होते थे। एक ऐसा भी शासक है जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, इल्तुतमिश जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बारे में, क्योंकि चूंकि दिल्ली सल्तनत हम अलग से पढ़ते हैं तो इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश शासनकाल 1206 से 1290 तक। और सबसे पहले जो घटना हम पढ़ चुके हैं 1202 किस पे आक्रमण किया था, वो चंदेल शासक था, वहां पर कोई परमार्दी देव। 1202 में पढ़ाना अपन में लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार्दी देव या परिमल को हरा कर कालिंजर व खजुराहो जीता। क्या पढ़ा था इसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया था, इसने बिना लड़े हुए उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और फिर उसके सेनापति ने क्रुद्ध होकर इसकी हत्या कर दी थी। ये पढ़ा ना अपन ने, परमार्दी देव या परिमल। फिर 1231-32 मतलब इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं था, 1206 में शासक बना, और कब 1210 पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। पोलो खेलते समय ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। जैसे एक शासक ऐसा भी है जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी, वो था हुमायूं मुगल बादशाह, दीनपना नगर की का जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके कारण से भी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो 1231-32 की बात है, इल्तुत। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, पोलो अभी हम बोलते हैं, उस समय पहले चौगान बोलते थे, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ा आपने। तो चौगान या पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। फिर 1231-32 इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया,
यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इल्तुतमिश के लिए। 1235 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। महाकाले मतलब उज्जैन पर आक्रमण किया था उसने और महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। ये क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। अब हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश का पहला शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान मुख्य शासकों में 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इनका 4 वर्ष का जो समय है वो काय में बीता? पूरा संघर्षों में बीता, संघर्षों में ही बीता। तो ऐसा कोई प्रयास उसने मध्य प्रदेश में नहीं। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक बलबन। कौन सा? बलबन। बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे बाद में, अभी तो मध्य प्रदेश से संबंधित एक ही घटना पढ़ेंगे। बलबन ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया है, 20 वर्ष तक बिना ताज के और 20 वर्ष तक ताज के साथ में। मतलब ये इतना अधिक शक्तिशाली था कि नृप निर्माता बोला गया इसे, कि दिल्ली सल्तनत पे किसको बैठाना है किसको हटाना है ये कौन तय करता था? बलबन तय करता था। और बाद में जो है वो खुद ही शासक बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब बलबन के संबंध में हम पढ़ेंगे, इसने कौन सी नीति लगाई थी? लोह और रक्त की नीति। लोह और रक्त की नीति। अपने दुश्मनों को उसने पूरा सफाया कर दिया। उसको जरा सा लगता था ये मेरा विरोधी है मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसको वो खत्म करवा देता था। तो उसके समय की घटना हम पढ़ेंगे, बलबन के समय की। 1251 गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लोह की नीति के तहत नरवर के राजा नरवर मतलब शिवपुरी पहाड़ देव पर आक्रमण किया था। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। लगभग 30 वर्ष तक ये वंश शासन करते रहे और इसका एक ही शासक बड़ा महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उससे पहले एक शासक को हम पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। एक फिल्म आई थी अभी, क्या नाम, जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था, पद्मावत है ना, पद्मावत जो फिल्म आई थी उसमें इसका स्पष्ट दिया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा। ये बहुत वृद्ध शासक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए गया और अपने साथ में कौन रहता था उसके साथ में? मलिक काफुर। और उसने सुल्तान की गर्दन काट दी और एक तरफ सुल्तान की गर्दन से खून टपक रहा है और दूसरी तरफ इसका
राज्याभिषेक हो रहा है, मतलब इतना क्रूर शासन अलाउद्दीन खिलजी को माना गया है। तो 1292-93 की घटना पड़ेगी। 1292-93 अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा, मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। और कौन शासक कर रहा था वहां पे मालवा पर उस समय? महलक देव। एनुल मुल्क ने परमार शासक महलक देव की हत्या कर दी, महलक देव की हत्या कर दी। और इसी समय जो अभी हमने मांडू का नाम क्या पढ़ा, शादियाबाद, शादियाबाद मतलब आनंद की नगरी, ये नाम किसने दिया है? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। फिर 1296 फिर दोबारा उसके आक्रमण हुए हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, कालिंजर, चंदेरी, धार वो मांडू जैसे नगरों को लूटा। क्या बोलता था अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को? सिकंदर ए सानी। क्या बोलता था? सिकंदर ए सानी। क्या मतलब होता है सिकंदर का? विश्व विजेता। जैसे सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता था, अलाउद्दीन का भी यही सपना था कि वो भी विश्व विजेता बने। सिकंदर ए सानी। क्या खासियत थी उसकी? धर्म को प्रशासन से अलग रखना, अलाउद्दीन खिलजी की एक विशेषता है, धर्म को प्रशासन से अलग रखना। दक्षिण नीति, मतलब अभी तक जितने शासन हुए उत्तर के अलग दक्षिण के अलग होते थे, ये पहला सुल्तान हुआ जो दक्षिण के ऊपर अधिकार करना चाहता। मलिक काफूर को नियुक्त किया था उसने दक्षिण के अभियानों के लिए। अब हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। मांडू विजय दक्षिण की विजय है, मांडू विजय दक्षिण की विजय है। किसके शब्द है? अमीर खुसरो के, अमीर खुसरो का कथन है। मांडू विजय दक्षिण की विजय है, तो अमीर खुसरो भी किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। क्या बोला जाता है इसे? तूतीये हिंद, तूतीये हिंद बोला जाता है। किस भाषा के जनक? उर्दू। जवाने हिंद भी उसने बोला था, तो मतलब फारसी अरबी जो भाषाएं थी उसके और हिंदी के मिश्रण से एक नई भाषा का जन्म हुआ, उसे क्या बोला गया? उर्दू। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे, मांडू विजय दक्षिण की विजय है, ये कथन किसका? अमीर खुसरो। दमोह में स्थित सलैया शिलालेख, ये भी याद रखना, सलैया शिलालेख, सलैया, सलैया शिलालेख कहाँ मिला है? ये दमोह, सलैया शिलालेख दमोह में मिला है, सलैया शिलालेख दमोह में मिला है। और अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया गया है। क्या बोला है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विषय में? सार्वभौम
शासक, सार्वभौम शासक। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। सबसे ज्यादा हस्तक्षेप यदि मध्य प्रदेश में किसी वंश का रहा है तो वह है तुगलक वंश। तुगलक वंश किसने की थी इसकी स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये महत्वपूर्ण शासक इसके। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है? पागल, सन की रक्त पिपासु, रक्त पिपासु शासक। एक अभिलेख है बटियागढ़ अभिलेख, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बटियागढ़ अभिलेख कहां पे है? हमारे भी आपको तो पता होगा बटियागढ़ अभिलेख। बटियागढ़ अभिलेख दमोह बटियागढ़ अभिलेख। तुगलक वंश का शासन काल 1320 से 1414 तो बटियागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। और गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। कुल मिला के बटियागढ़ में दो अभिलेख हैं, एक फारसी भाषा में भी है और एक संस्कृत में भी है। दोनों फारसी भाषा में भी है, दमोह में ही है दोनों, और संस्कृत भाषा में भी है। फिर एक है दुल्लीपुर अभिलेख। दुल्लीपुर अभिलेख, दुल्लीपुर अभिलेख ये कहां पर है? दुल्लीपुर अभिलेख। बटियागढ़ अभिलेख तो पढ़ लिया अपन ने, दमोह में है, ये सागर में है। ये किससे संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और ये है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से संबंध, फिरोज शाह तुगलक से संबंध। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किला बनाया है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी कई बार, कौन सी महात्मा गांधी वाली जो इंस्टीट्यूट है उसके टेस्ट सीरीज में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे किला बनाया? धार में। बहुत बढ़िया, मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में एक किला बनाया है। धार में एक किला बनाया है, क्यों बनाया था? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से कहां? दौलताबाद या देवगिरी, देवगिरी किया था। तो दिल्ली उत्तर में और दौलताबाद दक्षिण में, और इनके बीच में क्या मान? धार, धार पड़ा। तो वहां पर उन्होंने एक किला बनाया था, क्या था बराबर? धार के किले का निर्माण या पुनर्निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस अभियान के दौरान? राजधानी परिवर्तन के दौरान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलिक खान को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया था। गुलिक खान को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था।
क्या बोलते थे उसे, खानदेश, खानदेश का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? ये क्वेश्चन भी बनता है, रजा को, मलिक रजा को किसने नियुक्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा अपन ने कि लंबा शासनकाल रहा है इनका, सबसे विस्तृत शासनकाल भी था, लेकिन इन्हीं के समय में क्या हुआ, धीरे 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 सारी रियासतें क्या हो गई, अपने आप को स्वतंत्र करने लग गई, और मालवा की जो रियासत है इसी के समय में स्वतंत्र हो गई थी। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसने की थी, किसने की थी स्वतंत्रता की घोषणा? दिलावर खान। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लिखेंगे। तुगलक वंश के समय ही मालवा में दिलावर खान गोरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की शुरुआत की, मालवा सल्तनत की शुरुआत की। और अब दिल्ली सल्तनत के स्थान पर क्या शुरू हो जाएगा? मालवा सल्तनत। इसे हम कल पढ़ेंगे। मालवा सल्तनत में हमें ढेर सारा पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे गौरी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश वो वाला खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर खिलजी, ये वाला जो मालवा मालवा के सुल्तान ही कहलाते थे, तो इनके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मांडू में इतने सारे शहर बसे, इतने मतलब स्थापत्य कला का विकास हुआ है, होशंगाबाद जो नगर बसा, तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।